हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारे गार्डन में कीड़े मकोड़े, फंगस और चींटियाँ, यहाँ तक कि मच्छरों से भी हमें निजात दिला देगी। ये है कपूर, जो हमारे सभी के घरों में लगभग मिल ही जाता है और ये बहुत सस्ता है। 2 से 3 रुपए में आपको छोटे छोटे पाउचे से मिल जाएगा, या 5 से 10 रुपए में आप ऐसे बड़े पीसेस वाला भी मिल जाता है पंसारी की दुकान पे। इस तरीके से देखिए, बारिश में पानी जमा हो जाता है पौधों में और फंगस लग जाती है, या फिर आप नई सीडलिंग या कटिंग तैयार कर रहे हैं उसमें भी बहुत जल्दी फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा पौधा सड़ जाता है। ये देखिए, मैंने भी कोलियस की कटिंग लगाई है। अगर आप इस तरीके से कटिंग आप लगा रहे हैं गमले में, तो कभी कभी क्या होता है कि कीड़े मकोड़े आ जाते हैं या फिर फंगस लग जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे अगर आपको कीड़े मकोड़ों की समस्या है तो आप अपने किसी भी प्लांट में ऐसे एक या दो जगह छोटे छोटे टुकड़े कपूर के रख दीजिए। और अगर आपको फंगस की प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से हाथ से पाउडर करके बस पेड़ के पास में या थोड़ी सी दूरी पर आप इसको रख दीजिए। वैसे कपूर के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, आपके प्लांट को कोई तकलीफ़ नहीं होगी कपूर यूज़ करने से। और उसके बाद अगर आपके गार्डन में चींटियों की या फिर फंगस की या इवन मच्छर की प्रॉब्लम है, तब क्या करें? तब एक ग्लास पानी में आप जितना बड़ा, मैंने अभी कपूर का बड़ा पीस दिखाया था, वैसे मैंने इसमें 2 पीस डाले हैं, क्योंकि पाउडर इस तरह से पाउडर करके बहुत जल्दी बहुत सॉफ्ट होता है और पाउडर हो जाता है, क्योंकि मुझे थोड़े ज़्यादा प्लांट्स में डालना था, तो इसे मैं अभी डाइल्यूट करूँगी पर थोड़ी देर बाद। इस तरीके से डालकर आप 15 मिनट के लिए इसको एक बार चला कर छोड़ दीजिए। 15 मिनट में जो कपूर के सारे अच्छे वाले गुण हैं ये पानी में अब्सॉर्ब हो जाएंगे, उसके बाद हम इस पानी का यूज़ करेंगे। वैसे अगर ऑर्गेनिक चीज़ों से आपका काम चल रहा है तो केमिकल का यूज़ अपने प्लांट्स में कम ही करिए। देखिए, 15 मिनट हो गए हैं और 15 मिनट के बाद हम इसको एक बार फिर से चला लेंगे। और अगर आप स्प्रे बॉटल का यूज़ करेंगे तो इसे छान लीजिएगा, और अगर मेरी तरह वाटरिंग कैन का यूज़ करेंगे तो बिना छाने भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको डाइल्यूट नहीं करना है इसे पानी में, मैंने इसमें 1 लीटर पानी लिया है, उसमें 1 ग्लास ये पानी डाला है, तो आप थोड़ी कपूर की मात्रा कम रखिए। उसके बाद अपने सारे प्लांट्स में आप ये कपूर वाला पानी, ऐसा नहीं है कि आपको मिट्टी में दीजिए या पेड़ में दीजिए, पत्तियों में दीजिए, आप सब जगह इस पानी का यूज़ करिए। इस कपूर के पानी के यूज़ से आपके गार्डन की सारी अनवांटेड कीड़े मकोड़े, मकड़ी, यहाँ तक कि मच्छरों से भी छुटकारा मिल जाएगा। इस समय जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं उसमें चींटियों की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे अलामांडा, मधुमालती, इन समय चींटियाँ बहुत तेज़ी से लग जाती हैं। तो बस आपको इस जो कपूर के पानी को है, हफ्ते में एक बार आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसका यूज़ करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, और आपको आपके गार्डन में केमिकल भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से आप 2 रुपए की चीज़ से ही अपने गार्डन से फंगस, कीड़े मकोड़े और मच्छरों को भगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। अगर हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट।